इंग्लैंड के हाथों मिली दो टेस्ट में हार के बाद अब हर कोई दुनिया की नंबर वन टीम की कमी निकालने में लगा है। हद तो तब हो गई जब टेस्ट रैंकिंग की सातवें नंबर की टीम पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद भी भारत की कमी निकालने लगे हैं। बता दें कि सरफराज ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले इंग्लैंड दौरे के लिए ज़्यादा तैयारी की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शायद भारत को कम तैयारी का ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरफराज ने कहा है कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने दो बार इंग्लैंड का दौरा किया है और दोनों ही बार पाकिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड में एशिया की कोई भी टीम जाए उसे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। भारत कोई अलग नहीं है, वहाँ की परिस्थिति काफ़ी मुश्किल होती है। पाकिस्तान के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने साल 2016 में इंग्लैंड का दौरा किया था। तब पाकिस्तान चार मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर करके आई थी। उस दौर पर पाकिस्तान टीम ने सीरीज शुरू होने से पहले काउंटी के खिलाफ दो अभ्यास मैच खेले थे। सरफराज ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने दौरे के लिए अच्छी तैयारी की थी। अगर उस दौरे के बारे में बात करें तो हम दौरा शुरू होने से 25 दिन पहले इंग्लैंड पहुंच गए थे, लेकिन भारत को और तीन टेस्ट मैचों के लिए अपनी गलती पे भी ध्यान देना होगा और आगे के लिए बेहतर करना होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।